लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले अब कई सीटों पर बीजेपी की हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इन्हीं सीटों में से एक सीट है फैजाबाद की। आपको बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत ही अयोध्या शहर आता है, वही अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण कराने के साथ बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस बार इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस समय के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को हराया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर अब इस हार को लेकर तरह तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं। सबसे पहले ये सुनिए। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया, जम्मा सीता को वनवास कर दिया था प्रभु श्री राम को। और अब ये भी सुनिए। आपके परिवार से सदस्य गए होंगे? बाबा हमारे, पापा, ये लोग गए थे। अपना पैसा लगा के बनवाएंगे, उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। अपना अपना पैसा लगा के आप भगवान का घर बना रहे हो, गरीब का घर, उससे भगवान करे तो हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा, मंदिर खाली मने दर्शन करने ले, इतना जनता ले नहीं बनवाए हैं कि नीम सब को टिकाएंगे, और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, बाहर मने ना टिका दो, यहाँ लोग कहाँ चले जाएं। ये है अयोध्या नगरी की दूसरी तस्वीर। दरअसल अयोध्या में जिस तरह से विकास कार्य किए गए, उसे लेकर भले ही देश दुनिया में ये छवि बन रही हो कि राम नगरी में जो आज तक नहीं हुआ वो हो रहा है, लेकिन अगर आप अयोध्या में रहने वाले स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो आपको जवाब कुछ और ही मिलेगा। स्थानीय लोग ये तो मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन इस विकास के लिए उन्हें रोजाना जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं। स्थानीय लोगों के अनुसार राम मंदिर के बनने के बाद पूरे अयोध्या शहर में जिस तरह से जगह जगह पर बैरिकेटिंग, पुलिस बंदोबस्त, रूट डायवर्जन और VIP कल्चर से काफी परेशान है, वही अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह वहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को भी बताया जा रहा है। कई लोगों के घर तोड़े गए, दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला, इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में भी साफ नजर आई। वही दूसरा कारण, फैजाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यहां नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी की वोट बैंक को बांटने में भी कामयाब रहा। इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर लामबद हो गए और इस तरह सपा की जीत हुई। इसके अलावा भी कई और कारण माने जा रहे हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा, उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी, जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया, जो 100-100 साल से रह रहे थे, 100-100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप
किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया।